हेलो किड्स, केम छो तमे? मजा माने अदा वर्जे हुजूर, कैसे है मिजाज आपके? हेलो, हाउ आर यू ऑल? कशे आहत तुम ही? तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मराठी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है 15वीं कविता होई आली होई। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा है इसका एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ देखिएगा। और आज मैं आप लोगों को अपलोड कर रही हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो अभी कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है तो उनके लिए थैंक यू वेरी मच। और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। मेरा मिशन है एजुकेट इंडिया का, जिससे बच्चों को पूरा फ़ायदा हो रहा है और ये आप लोगों को भी पता है। तो प्लीज़ हर एक देश के कोने कोने तक पहुँचाइए मेरा वीडियो, ठीक है, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए समझने में आसानी से। ओके, तो मैंने जो लेसन एक्सप्लेन किया है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखिए प्लीज। ओके, तो अभी स्वाध्याय है, प्रश्न पहला, एक दोन शब्दांत उत्तरे लिहा, यानी वन और टू वर्ड्स में हम लोगों को आंसर लिखने हैं। तो होळीला करायचा गोड पदार्थ पुरणाची पोळी, केर कचरा टाकायचे ठिकाण खड्डा। प्रश्न दुसरा, एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस। ओके, यहाँ पर वन और टू वर्ड्स था और यहाँ पर है वन और टू सेंटेंस, वाक्य यानी सेंटेंस में आंसर लिखना है आप लोगों को। ओके, तो अ, कवि ने काय तोड़न्यास मनाई केली आहे, तो कवि ने क्या तोड़ने के लिए मनाई किए हुआ है, किया है, मनाई की है, तो उसका आंसर आएगा ये, कवि ने झाड़े तो फांद्या तोड़न्यास मनाई केली आहे, कवि ने झाड़े फांद्या तोड़न्यास मनाई के लिए आहे। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है, होळीच्या वेळी झोळी कशाने भरावी, तो उसका आंसर है होळीच्या वेळी झोळी सद्गुणांनी भरावी, अच्छा बिहेवियर से भरना है, सद्गुण यानी अच्छा बिहेवियर। फिर नेक्स्ट, होळीसाठी मोळी कशाची बांधावी, तो अनिष्ट रूढ़ी आणि प्रथांची मोळी बांधावी। आप लोग लिखते समय ऐसे भी लिख सकते हैं, होळीसाठी अनिष्ट रूढ़ी आणि प्रथांची मोळी बांधावी, ठीक है। तो इधर आगे होळीसाठी लिखो आप लोग, तो जरा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, कवि ने होळीच्या दिवशी कोणती शपथ घ्यायला सांगितली आहे, तो होळीच्या दिवशी पर्यावरणाचे रक्षण करू आणि वृक्ष यानी झाडे तोडणार नाही अशी शपथ कवि ने होळीच्या दिवशी घ्यायला सांगितली आहे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है आप लोगों को। उसके बाद है नेक्स्ट, कवीच्या मताप्रमाणे होळी साजरी केल्यास त्याच्या घरी कोण पाणी भरेल, अगर ये सब रूल्स फॉलो करके अगर हम लोग होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे घर में कौन पानी भरेगा, तो उसका आंसर है ये है, कवीच्या मताप्रमाणे होळी साजरी केल्यास त्यांच्या घरी निसर्गराजा पाणी भरेल, कोण पाणी भरेल, निसर्गराजा
पानी भरे ल। चलो नेक्स्ट प्रश्न तिसरा, पर्यावरणाचे भान ठेवून होळी साजरी करा, या बाबत तुमचे दोन मत, दोन तीन वाक्यातल्या मत यानी क्या ओपिनियन। तो पर्यावरणाचे भान ठेवून होळी साजरी करायने नेचर को कोई भी हार्म बिना हार्म किए बिना हम लोग किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये लिखने के लिए इन्होंने कहा है, और एक कॉमन सेंस का सवाल है तो आप लोगों को लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसे लिखा है आप लोगों को, और कुछ उसमें अच्छा मेरे से सूझ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तर अभी पर्यावरण यानी नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना हम लोग किस तरह से होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। होळीच्या सणामध्ये होळी जाळण्यासाठी लाकडांचा उपयोग करतात, त्यासाठी काही लोक झाडे कापतात, तो वुड्स काटते हैं, ट्रीज काटते हैं, फांद्या तोडतात, डाली काटते हैं पेड़ की, त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते, इस कारण नेचर का नुकसान होता है। होळी जाळण्यासाठी कचरा वापरला पाहिजे असे कवी म्हणतात। ठीक है, तो होली के लिए हम लोगों को पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए, डालियां नहीं तोड़नी चाहिए, जो वेस्टेज है ना हमारे, जो यूजफुल नहीं है हम लोगों के लिए, उसे हमें जलाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें है ना आप लोगों का ओपिनियन पूछा है ना, तो ठीक है चलेगा ये भी, या फिर कवि म्हणतात ऐसे नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा, फक्त वापरला पाहिजे इतना ही लिखो, कवि म्हणतात नहीं, क्योंकि इन लोगों ने हमारा ओपिनियन पूछा है ना। अभी ये जो गलतियां करते हैं ना आप लोग एग्जाम्स में, वो मैं आप लोग को मेंशन करा रही हूँ, जिसे यहाँ पर हो सकती है गलती वैसे वहां पर भी हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चार प्रश्न चौथा, होळीच्या सणाची तयारी तुम्ही कसे कराल ते लिहा, यानी तुम लोग किस तरह से तयारी करोगे होली का त्योहार बनाने के लिए। तो होळी जाळण्यासाठी आम्ही कचरा आणि लोकांच्या घरातील खराब झालेले लाकडी फर्निचर चा उपयोग करतो, तो हम लोग वो जमा करेंगे, त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत नाही, उससे नेचर को नुकसान नहीं होता। रंग खेळण्यासाठी आम्ही फक्त नैसर्गिक रंगांचाच वापर करू, त्याने त्वचेला आणि डोळ्यांना धोका नसतो। पाण्याचा कमीत कमी वापर करू, आजूबाजूचे परिसर खराब होणार नाही ह्याची काळजी घेऊ, जबरदस्तीने कोणाच्याही अंगावर रंग उडवणार नाही। ठीक है, यानी किसी को भी जबरदस्ती, वो जा रहा है बेचारा चुपचाप, उसके ऊपर जगह है और कलर उड़ा दिया, ऐसे हम लोग नहीं करने वाले हैं। ओके, ऐसे नहीं करना है। कोणाच्याही अंगावर रंग उडणार नाही, फुग्यांचा आणि पिशव्यांचा वापर कटाक्षाने टाळणार, आणि बलून्स है ना उसमें पानी कलर बिलर भर के मारते हैं लोगों को, इस कारण कितने लोगों की मौत हो जाती है, कितने लोगों को परमानेंट हेडेक का प्रॉब्लम शुरू होता है, कितने लोगों की आंखें चली जाती है जब वो बलून सिर पर गिरता है, तो ये सब हम लोगों को नहीं करना। कलर आंख में चला जाता है इसे, तो किसी के भी जीवन के साथ हम लोग नहीं खेल सकते है ना, तो इस तरह से ये है इसका आंसर। ठीक है, और उपयोगकर्तों की जगह पे करूँ, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तर करूँ, तो हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे। ओके, उसके बाद है प्रश्न पांचवा, तुमच्या परिसरात आदर्श होळी साजरी करण्यासाठी एक सूचना फलक तयार करा। अभी सूचना फलक यानी क्या, सूचना फलक यानी नोटिस बोर्ड। तो अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, झाड़े तोड़ू नका, अभी इंस्ट्रक्शन देते ना सोसाइटी में कि भाई आप लोगों को अगर अच्छे होली खेलनी है तो ये आप लोग मत कीजिएगा, तो इस तरह से सूचना फलक जो है मैंने बनाया है और मैंने लिखा भी है इसमें, आप लोगों को और कुछ उसमें ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। सूचना फलक आदर्श होळी, तो उन लोगों ने लिखा हुआ है ये, झाड़े तोड़ू नका, पाण्याचा वापर सांभाळून करा, यानी पानी संभाल कर यूज कीजिएगा, रासायनिक रंगांचा वापर करू नका, जो केमिकल युक्त जो कलर्स होते हैं ना, केमिकल मिक्स होता है उस कलर्स में, परमानेंट कलर्स होते हैं, कोई कोई ऑयल पेंट यूज करता है, इतना बेकार करते हैं ना सब लोग, तो इसके लिए ये जो केमिकल की जो कलर्स है ना उसे यूज नहीं करना है। परिसर अस्वच्छ ठेवू नका, अगर सब जो आपका होली खेल के भी हो गया तो उसके बाद में जो जगह है जो गंदा हो गया है उसे साफ भी तो करना चाहिए ना आप लोगों को सबको मिलके,
तो उसे अस्वच्छ ठेऊ नका। उसके बाद आप लोग उसे क्लीन कर दीजिएगा। और उसमें आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, होली खेलण्यासाठी अंड्यांचा वापर करू नका। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, अंडे, सड़े हुए अंडे लेकर आते हैं और वो अंडे फोड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो बहुत ही गंदा होता है, उसका बदबू भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इस तरह से होली नहीं खेली जाती है। कोई कोई क्या करता है ना, वो गटर का पानी यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं एडिशनल बता रही हूँ आप लोग को, आप लोग इसे भी और भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। कोई कोई टमाटर का यूज़ करता है, सड़े हुए टमाटर का यूज़ करता है। तो इस तरह से गंदगी भरी कोई भी काम इसके लिए हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो है मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर है प्रश्न सातवा, होळी हा सण फाल्गुन या मराठी महिन्यात येतो। मराठी महिना लिखना है हम लोग को, ठीक है। तर त्याप्रमाणे खालील तक्ता दिनदर्शिका पाहून पूर्ण करा। अभी दिनदर्शिका याने क्या है, दिनदर्शिका याने कैलेंडर। तो कैलेंडर में देखकर आप लोगों को कभी कौन सा सण आता है वो लिखना है। अभी देखो ये है कैलेंडर, है ना। तो अनंत चतुर्दशी कभी आया है, कौन सा महीना है, देखो भाद्रपद महीना है। ये देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कौन सा महीना है, भाद्रपद महीना है। तो जो फेस्टिवल उन्होंने दिया है ना, उस फेस्टिवल के जगह पे इधर मंथ लिखे हुए थे। मराठी महीने बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मराठी महीने। तो अनंत चतुर्दशी कभी आया, भाद्रपद। फिर उसके बाद दसरा, अभी दसरा देखो हम लोग यहाँ पर देखो, दसरा है ना, कभी है वो अश्विन, कौन से महीने में, मराठी महीने में आया है, अश्विन, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को फाइंड आउट करना है दसरा कभी है, अश्विन में है। तो हर एक फेस्टिवल का जो नाम आया वो कौन सा महीना है हमें उधर वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, थाली रेडी है, सिर्फ खाना ही बाकी है आप लोगों को। दसरा अश्विन, संक्रांत पौष, गणेशोत्सव भाद्रपद, दिवाली अश्विन, गुड़ी पाड़वा चैत्र। नया साल होता है ना वो मराठी लोगों का, तो चैत्र महीना स्टार्ट होता है। मराठी महीने मालूम है ना तुम लोगों को, पता होना ही चाहिए तुम लोगों को। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये है मराठी महीने। और अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गए अंग्रेजी महीने। और मराठी महीने है चैत्र, वैशाख, ओके। अभी जिन लोगों को पता नहीं था तो अभी उन लोगों को ये बात पता चल गई है अच्छे से, ओके। और मराठी महीना का जो नया साल होता है वो चैत्र से शुरू होता है, गुड़ी पाड़वा, ओके, गुड। अभी खाली सूचना वाचा, अशा आणखी सूचना तैयार करा। यानी इन लोगों ने यहाँ पर नीचे जो नोटिस बोर्ड्स रहते ना, हम लोग जैसे बताते हैं ना, अभी इन लोगों ने क्या दिया है देखो, नदीचा पाण्यात केर कचरा निर्माल्य टाकू नये। अभी जहाँ पर गणेश विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड लिखा रहता है कि नदीचा पाण्यात केर कचरा आणि निर्माल्य, मीन्स क्या मालूम है, जो हार, फूल, नारियल वगैरह होते हैं ना, तो वो उसमें नहीं फेंकना है नदी के पानी में, ओके। ओला कचरा सुका कचरा ठेवा वेगवेगळा तरच प्रदूषणाला बसेळ आला। ओला कचरा मीन्स गिला कचरा, ओके, और सूखा कचरा मीन्स ड्राई गार्बेज। तो इसे अलग अलग रखो आप लोग, तो अपना जो प्रदूषण है ना, पॉल्यूशन, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को बोर्ड्स बनाने के लिए उन्होंने कहा है, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाए हैं कुछ, पानी वाचवा, देश वाचवा, ठीक है। फिर वृक्ष लावा, वृक्ष जगवा। सिर्फ वृक्ष लावा, पेड़ लगा दिए आप लोगों ने तो जिंदा रहने वाला है क्या, हाँ। गौरी गई और उसने पेड़ लगा दिया मस्त पैकी, बोले हाँ मैंने पेड़ लगाया, टीचर ने बोला था पेड़ लगाओ, लेकिन उसने फिर जाकर देखा ही नहीं वो बेचारा पेड़ का क्या हो गया करके। तो क्या करना चाहिए उसको,
पानी डालना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो जिंदा बचेगा ना। जरूरत पड़ने पर उसको खाद देना पड़ेगा, कीड़ा लगा है तो उसमें ये डालना पड़ेगा आपको, कीड़ा मारने की जो दवा आती है ना पेड़ लोगों की, वो अलग से आती है वो। तो इस तरह से इसके लिए सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं, उसे जिंदा रखना भी जरूरी है। फिर देश ठेवा स्वच्छ, आरोग्य राहिल, मस्त भी लिख सकते हैं और स्वस्थ भी लिख सकते हैं। तो स्वस्थ या मस्त कुछ भी लिखो आप लोग को जो अच्छा लगता है वो, ओके। फिर स्वच्छता है जिथे जिथे, क्लीनलीनेस है जहाँ जहाँ, निरोगी आरोग्य राहिल तिथे तिथे। तो निरोगी यानी हेल्दी हेल्दी लोग वहाँ पर रहेंगे, ऐसा है ये। तो मैंने ये लिखे हुए हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन मेक योर ओन सूचना ऑल्सो, ओके। तो इस तरह से आप लोग भी इस तरह से सूचना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो सेशन है वो हो गया है कंप्लीट, एंड आई होप आप लोग के लिए पूरा यूजफुल है ये। तो अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, ओके। चलो फिर ऑल द बेस्ट आप लोगों को और बाय बाय।